वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल लर्न इम्परफेक्ट। मैं सुमन सिंगला आज आपके लिए रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली के बीच के बारे में अपनी वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है। वहाँ से हम मार्केट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मार्केट्स, हमने चार तरह की मार्केट्स के बारे में पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरी मोनोपोली मार्केट, तीसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और फोर्थ ओलिगोपोली मार्केट। तो आज मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ मार्केट मोनोपोली की मार्केट में रेवेन्यू कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आओ हम मोनोपोली अंडर मोनोपोली रेवेन्यू कर्व्स के बारे में जानकारी लेते हैं। रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली, तो मोनोपोली क्या है, मोनोपोली की फीचर्स क्या है, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले बनाकर दी हुई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है। वहां से हम फीचर्स ऑफ मोनोपोली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मोनोपोली और उसकी हल्की सी थोड़ी फीचर्स के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको रेवेन्यू की कर्व्स अच्छे से समझ आ जाए। तो मोनोपोली मीन्स मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स कंट्रोल। तो मोनोपोली मीन्स जिस पर फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर सिंगल कंट्रोल होता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। तो ऐसे जिसमें वन सेलर होता है, वन प्रोड्यूसर है और मैनी सेलर्स हैं, मैनी बायर्स हैं, उसको हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो वन सेलर या वन प्रोड्यूसर कैसे होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बिजली बोर्ड है या रेलवे डिपार्टमेंट है, वो हमारे सिंगल है, इसमें एक ही है, पूरे देश में एक ही रेलवे डिपार्टमेंट है, तो उस पर हमारी पूरी मोनोपोली है। तो ऐसे मोनोपोली मार्केट में हमें अपनी वस्तु को बेचने के लिए, किसी प्रोड्यूसर को बेचने के लिए कीमतों को कम भी करना पड़ता है। अगर उसने अपनी जो ज़्यादा प्रोडक्ट बेचनी है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है। तो इसलिए आज हम अपने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कि हमने टोटल एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट प्राइस इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, एक एक वस्तु की कीमत को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। इसलिए एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय, अगर हमें टोटल रेवेन्यू पता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू के लिए हम एवरेज रेवेन्यू को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टी आर आ जाता है इस तरीके से। और एम आर क्या है, मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू किसे कहते हैं, कि एक एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने करके उसको जब बेचने से जो हमें टोटल धनराशि में जो भी हमारा डिफरेंस आता है, जितनी भी इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रेवेन्यू। इसलिए मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक मेथड है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का मेथड है टोटल रेवेन्यू ऑफ एन एफ टर्म माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन एफ टर्म। कि हम अगर हमारे पास चार इकाइयां बेचकर हमें 40 रुपए इनकम हुई है और 30 इकाइयां बेच के अगर हमें तीन इकाइयों को सेल करने से अगर हमारे पास 33 रुपीज इनकम हुई है, तो हमारे जो एक यूनिट एडिशनल सेल करने से 40 माइनस 33 = 7 रुपीज हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है। इस तरीके से हम मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसको हम एक शेड्यूल द्वारा आपको एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि ये देखो कि हमने आउटपुट लिया है, तो एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, जितनी भी हमने यूनिट्स बेचते रहेंगे, तो हमें अपनी अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए हमें पर यूनिट प्राइस कम करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयां तभी ज़्यादा खरीदता है अगर उसे कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए एक वस्तु को बेचने के लिए उसने अगर 10 रुपये पर यूनिट प्राइस, पी मीन्स पर यूनिट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एक वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये है तो टोटल रेवेन्यू भी 10 होगा, प्राइस इंटू क्वान्टिटी।
दो वस्तुओं अगर बेचनी है तो उसको 9 रुपए पर यूनिट प्राइस करनी पड़ेगी। एक वस्तु की कीमत 9 रुपए कहेगा तो उसकी दो वस्तुएं बिक सकती हैं। तो इसलिए 2 × 9 = 18। 3 वस्तुएं अगर 3 यूनिट्स वस्तुओं के बेचनी है तो उसको अपनी वस्तु कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी तो 8 रुपए कर दी तो 8 × 24। तो ऐसे ही 4 यूनिट्स के लिए 7 रुपीज का 7×4 = 28। 5 यूनिट्स बेचने के लिए हमने 6 रुपए पर यूनिट प्राइस की है तो 6×6 = 30। 5×6 = 30 या 7×4 = 28। 8×3 = 24। इस तरीके से जैसे जैसे हम अपनी ज़्यादा वस्तुओं को सेल करना चाहते हैं तो उसको पर यूनिट प्राइस कम करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम पर यूनिट प्राइस एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ऐसे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो मार्जिन रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जैसे कि पहले 1 इकाई बेची 10 रुपए में, 2 इकाइयां बेची तो टोटल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू 18 आ गया। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है? 18 - 10। 18 - 10 मीन्स 8। और यहाँ पे यूनिट में चेंज कितना है? 2 - 1 = 1। तो 8/1 = 1। और ऐसे ही अगर हम 2 यूनिट्स बेचने से अगर एन को हम 2 ले लेते हैं, 2 यूनिट बेचने से अगर 18 रुपये हमारे टोटल रेवेन्यू है और 1 यूनिट बेचने से हमारे टोटल रेवेन्यू 10 रुपये है, तब भी हमारी मार्जिन रेवेन्यू 8 रुपये ही आती है। ऐसे ही हम सभी का देख सकते हैं। ऐसे हम अगर 24 - 18 करते हैं 6 आ गया, 28 - 24 ये हमारी कितनी है? 4th यूनिट है, ये हमारा 3rd यूनिट है। 4th यूनिट की टोटल रेवेन्यू में से 3 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की मार्जिन रेवेन्यू आ जाती है। अगर 28 - 24 = 4, 30 - 28 = 2, 30 - 2 = 0, 28 - 30 = -2, एंड 24 - 28 = -4। तो इस तरीके की पर यूनिट प्राइस एवरेज रेवेन्यू मेन बात है याद रखने वाली, कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो भी नहीं होती, क्योंकि कोई भी सेलर अपनी वस्तु को फ्री में नहीं देता। फ्री में तो हमें सिर्फ गॉड गिफ्टेड जैसे कि हवा, पानी, रोशनी और सूर्य की किरणें, पहाड़, ये चीज़ें ही हमें गॉड जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं वही हमें फ्री में मिल सकती है जीरो प्राइस पर। इसलिए एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होती, जबकि मार्जिन रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आओ हम इसको अब ड्रा करते हैं। तो ये हमने ड्रा करने के लिए पहले हमने टोटल रेवेन्यू ड्रा करते हैं। टोटल रेवेन्यू के लिए हम टोटल आउटपुट और टोटल रेवेन्यू लेते हैं। तो ओ एक्सिस पर हमने यूनिट्स ले लिए और ओ वाई एक्सिस पर हमने फिर रेवेन्यू लिया। तो रेवेन्यू का हम स्केल यहाँ से देख लेते हैं, हमारा 30 सबसे मैक्सिमम है इसलिए हमने 30 तक की इसकी स्केलिंग कर ली। मैंने यहाँ पे 6 का डिफरेंस लिया है, आप 4 का भी ले सकते हो, दोनों का 2 का डिफरेंस भी लेकर हाई लंबी भी बना सकते हैं अपनी अपनी डायग्राम। तो ये आ गया 6, 12, 18, 24 और 30। इधर हमने 8 यूनिट्स लिए हैं 1, 2, 3 से लेके 8 तक के। तो इसलिए 8 के ऊपर हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है? 10। तो ये हमें 6 और 12 के बीच में यहाँ पे 10 होगा इसलिए यहाँ पे मैंने 10 ले लिया। और 2 पे अपना आ गया 18, तो ये 2 पर 18 ले लिया। 3 पे अपना 3 यूनिट्स पे आ गया 24, तो ये हमने 24 ले लिया। 4 पे आ गया 28, 5 पे 30, 6 पे 30, यहाँ से 30 ले लिया। और 7 पे आ गया 28 और 8 पे आ गया अगेन 24। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने जो हमने जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन जाती है हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व। दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू कर्व। ये हम इसमें से कर देंगे पहले हमने। तो ऐसे ही हम अब मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनाएंगे। तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के लिए वही हमने इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेवेन्यू ले लिया AR और MR। ये हमारा मैक्सिमम 10 तक जा रहा है और मिनिमम -4 तक, इसलिए हमने ऊपर 2 का डिफरेंस लेके बना लिया, नीचे हमने -2 और -4 आपको दिखा दिया। ऐसे ही यूनिट्स
हमने 8 तक ले लिए और पहले हमने एस को लेकर एआर को लेकर बना लेते हैं कर्व यूनिट्स और एआर। तो ये यूनिट्स एक यूनिट्स पे 10, दो यूनिट्स पर 9, तीन यूनिट्स पर 8, ये 8 आ गया, 9 इसके बीच में आएगा, चार यूनिट्स पर 7, 8, 6 और 8 के बीच में ये आ गया 7 4 पे, और इन हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो एआर बन गई। और ये ध्यान रखना है एआर कर्व को हमने एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करना क्योंकि एआर कभी भी जीरो नहीं होती। ऐसे ही हमने अब आउटपुट और एमआर लेके हमने ये कर्व बना ली के जीरो पे छोड़ दिया हमने खाली, और एक पे 10 ये आ गया, एक पे 10, दो पे हमारा 8, तीन पे 6, चार पे 4, पांच पे 2, छह पे 0 और इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमारी एम आर कर्व बन गई। और एम आर कर्व यहाँ हमारी ये पॉजिटिव हो गई और इस बिंदु पर ये 0 हो गई और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाती है। एम आर कर्व जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है और ए आर कर्व हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, क्योंकि कई बार ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर, तो हमने ये वाली कर्व बनानी है। तो ये वाली हमने देखना है कि जैसे जैसे एम ए आर डाउन होती है तो एम आर भी डाउन होती है, लेकिन जब एम आर जो है मैक्सिमम होगी 30 तो एम आर जीरो होती है। जैसे ही ये टी आर कम होने डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है तो एम आर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, पर ए आर हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। इसलिए ये हम तीन चार डिफरेंस इसके रिलेशनशिप ए आर एम आर और टी आर के रिलेशंस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ये सभी के बारे में जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। तो ये वाली वीडियो मेरे यहीं तक, और नेक्स्ट में मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में अपनी रेवेन्यू कर्व्स के बारे में जानकारी लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मोनोपलिस्टिक कंपटीशन की रेवेन्यू कर्व्स के बारे में दिखाना को लेकर दिखाती हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।